चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं टावर स्पीकर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर नेटवर्क और ये उफर और 18 mm MDF बोर्ड के साथ यहाँ पे टावर स्पीकर बनाया गया है। और इस टावर स्पीकर को किस प्रकार से बनाया गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 18 mm का MDF बोर्ड का यूज किया गया है और यहाँ पे देखिए 4 इंच का सिल्क डोम ट्विटर है जिसका सिल्क साइज है 1 इंच। ये प्योर सिल्क डूम ट्विटर है, नॉर्मल ट्विटर की तरह ये काम नहीं करता है। सिल्क का साउंड थोड़ा क्रिस्टल होता है। और यहाँ पे देखिए 5 इंच का मिड रेंज स्पीकर है, ये मिड रेंज का जो क्वालिटी है उसको प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे देखिए ये मिड बेस उफर है, ये 6.5 इंच का है। यहाँ पे ये 8 ओम्स का 100 वाट का है। और यहाँ पे देखिए ये 2 6.5 इंच का उफर यूज किया गया है। और नीचे यहाँ पे देखिए ये 3 इंच का होल किया गया है और 6 इंच का लेंथ है एयर पास के लिए। और यहाँ पे ये जो 8 ओम्स का ये 2 उफर है 100 वाट का, 100 वाट प्लस 100 वाट, इसको पैरेलल कनेक्शन किया गया है। और यहाँ पे मिड रेंज और ऊपर ये सिल्क डोम ट्विटर। और यही सेम चीज दूसरा भी बनाया गया। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए ये एक 200 वाट RMS पावर का एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर यहाँ पे देखिए 200 वाट का है, पार चैनल 100 वाट RMS है। और स्पीकर यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है ये 200 वाट का है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर का साइज छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, एम्पलीफायर बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा। और यहाँ पर एक सब ऊपर है जो ये दूसरे एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड है, इसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस टावर का जो डायमेंशन देखिए, पीछे यहाँ का जो डेप्थ है ये 12 इंच है और इसका जो वाइड है ये 9 इंच है। और इस टावर का जो हाइट है 48 इंच है। और ये जो 48 इंच का जो हाइट है फ्रेंड्स, इस हाइट को अंदर एक डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये 48 इंच इसका हाइट नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 उफर का यूज किया गया है। और ये दो उफर के वजह से इसका डायमेंशन ज़्यादा हो जाएगा 48 इंच, इसलिए इसको 24 इंच में एक पार्टीशन दे दिया गया MDF का, जिससे क्या हो रहा है मिड रेंज और ट्विटर को अलग एक कवर मिल गया, अलग बॉक्स पे वो रह गया। इससे क्या होगा, ऊपर का जो बेस जब टकराएगा मिड रेंज पे तो उस पर कोई इफेक्ट ना आए, साउंड को कोई डिस्ट्रेशन ना करे, जैसे 308 पे नॉर्मल बनता है मिड रेंज को अलग से कवर किया जाता है। यहाँ पे मिडिल में एक पार्टीशन दे दिया गया MDF का, इसलिए ये अंदर हिस्सा ऊपर चला गया है जो ट्विटर और मिड रेंज की जगह पर वो सेट कर दिया गया है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, यार का प्रेशर नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सिल्क डोम ट्विटर है, सेम लगाया गया है। और देखिए ये मिड रेंज है और मिड रेंज ये 30 वाट का है और सिल्क डोम ट्विटर भी 30 वाट का है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो 18 mm का MDF बोर्ड खरीद के इस प्रकार की आप टावर स्पीकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6.5 इंच का ऑफर है, इस प्रकार की दो अगर पैरेलल कनेक्शन करके 4 ओम्स बना के चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर 6.5 इंच का अगर एक ऑफर आप यूज करते हो तो उससे हो सकता है ऑफर ख़राब हो सकता है, क्योंकि एम्पलीफायर बहुत ही पावरफुल है। जब टेस्ट किया जा रहा था उनमें ही पता चल रहा है कि ये ऑफर पर काफ़ी भारी पड़ रहा है इतना लोड देने के बावजूद भी। तो आप जब भी किसी भी स्पीकर को टेस्ट करें फर्स्ट टाइम तो बेस को थोड़ा कंट्रोल करके, क्योंकि बेस से ही स्पीकर उड़ता है। ट्विटर या जो ट्रिबल है वो ट्रिबल का साउंड कभी भी किसी स्पीकर को इतना उड़ा नहीं सकता है। और एम्पलीफायर भी काफ़ी पावरफुल है, तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर दिया गया है और इसका साउंड टेस्ट भी हम करेंगे। तो देखिए लेफ्ट राइट पर ये 2 टावर इसका कनेक्शन हो गया है। यहाँ पे देखिए सेम कनेक्शन हो गया और ये तो यहाँ पे एक अलग एम्पलीफायर से इसका
सबवूफर के साथ कनेक्शन किया गया है। इसके साथ जो एम्पलीफायर का जो सिग्नल आउटपुट है उस सिग्नल को उस दूसरे एम्पलीफायर पे दिया गया है जिससे वो सबवूफर काम कर रहा है। बाकी जो आउटपुट है लेफ्ट राइट वो ये टावर पे आ रहा है। तो इस प्रकार से आप चाहे तो टावर स्पीकर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे टावर स्पीकर के लिए पूछते हैं, तो इस वीडियो का फॉलो कीजिए और डायमेंशन को भी फॉलो कीजिए। इससे आप ज़रूर एक टावर स्पीकर बना सकते हैं। इसका हाइट 48 इंच, वाइथ इसका 9 इंच और डेप्थ इसका 12 इंच। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और अपने हाथों से बनाया गया चीज बाय करने से कई गुना बेटर फीलिंग्स आता है सुनने में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये जो दो टावर स्पीकर है इस टावर स्पीकर का साउंड टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था टावर स्पीकर के बारे में एक वीडियो। अगर आप सब भी इस प्रकार की टावर स्पीकर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे एक्सेसरीज मेरे पास अवेलेबल है, डिजाइन भी मैं आपको दे दूंगा और फुल गाइड भी करूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।